Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसाला कलेजी की रेसिपी। इसे हम बहुत ही सिंपल वे में बनाएंगे। इस तरीके से ना तो कलेजी में से स्मेल आएगी और कलेजी बहुत ही नरम बनेंगे। ये दिखने में जितनी मज़ेदार है, खाने में उतनी ही लाजवाब है। आप भी इस तरीके से अपने घर वालों को बना कर खिलाएं, सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनती है। सबसे पहले मैंने मिट्टी की हांडी में हाफ कप ऑयल लिया, उसमें दो दरमियाने साइज के ऑनियन ऐड करेंगे। आप इसमें ऑनियन अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब ऑनियन लाइट ब्राउन हो जाए तो हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और जिंजर गार्लिक के पेस्ट को भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को इतना फ्राई करना है कि इनकी स्मेल खत्म हो जाए। उसके बाद साफ की हुई कलेजी इसमें 1/2 kg ऐड करेंगे। कलेजी को 5 से 10 मिनट तक तेज आंच पर फ्राई करेंगे जिससे इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। आंच को हम मीडियम या लो पर नहीं रखेंगे क्योंकि इस तरह करने से हमारी कलेजी टूट जाएगी। 10 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें 2 chopped tomatoes ऐड कर देंगे और इन्हें इस वक्त तक पका लेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। उसके बाद इसमें हल्दी 1/2 tablespoon ऐड करेंगे, 1 tablespoon रेड चिलीज ऐड करेंगे, 1 tablespoon ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। उसके बाद साबुत जीरा 1 tablespoon ऐड करेंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि सारे मसाले कलेजी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद इसमें 1 cup के करीब योगर्ट ऐड कर देंगे। याद रहे कि हमने नमक अभी तक शामिल नहीं किया है। नमक को हम लोग एंड में शामिल करेंगे। दही डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। इसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई सबल मिर्चियाँ ऐड करेंगे और साथ ही फ्रेश कोरिएंडर भी ऐड कर देंगे। अब लास्ट में हम इसमें 1.5 tablespoon नमक ऐड करेंगे। नमक को हमने लास्ट में इसलिए ऐड किया क्योंकि अगर हम पहले ही नमक ऐड कर देते तो कलेजी का कलर ख़राब हो जाता। इसलिए हमें चाहिए कि नमक को हमेशा लास्ट में ही ऐड करें। अगर मेरी आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम अपनी कलेजी को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। दीजिए, हमारी मज़ेदार सी कलेजी तैयार है। आप लोग भी इस सिंपल तरीके के साथ एक दफ़ा कलेजी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे कैसे बनी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।